तो इसके लिए हम सिंपल मैगी, तो 2 गिलास लेते हैं पानी। और इन्हें कर लेंगे बॉयल। ले लिए 1 पैकेट, 2 पैकेट, ये ले लिया मैंने 3 पैकेट, 3 पैकेट मैगी ले लिया। अब इन्हें बॉयल होने देते हैं और हल्का बॉयल हो जाएगा फिर इसका पानी निकालेंगे, फिर दिखाती हूँ। अब ये मैगी हमारी हो चुकी है बॉयल, देखिए 90% बॉयल करिए। अब इसे हम चलनी में छान लेंगे, देखिए 90% इसे चलनी में छानते हैं। तो ये हमने रख लिया बाउल, इसमें रखेंगे हम चलनी और इसमें मैगी पलट लेंगे, ये इसको छान लेंगे मैगी को। ये देखिए हम इसे बिना वेजिटेबल के बनाएंगे, तो अब बनाते हैं। तो इसमें डालते हैं हम ऑयल, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं मैगी वो बिना सब्जी के, बिना वेजिटेबल के मैगी बना रहे हैं। तो अब हमारा ऑयल हो चुका है गरम, इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, इसमें डालेंगे थोड़ा मिर्च पाउडर, डालेंगे बहुत हल्का सा सॉल्ट, नमक, ये भून चुका है। अब इसमें डाल देंगे बस 1 टमाटर, ये डाल देंगे 1 टमाटर, अब इसे थोड़ा सा गला लेंगे, डालेंगे 3 पैकेट मैगी मसाला, क्योंकि मैंने 3 पैकेट मैगी ली है, 3 पैकेट मसाला डालना पड़ेगा, 1 पैकेट के लिए मसाला। तो हम डाल रहे हैं इसमें मैगी मसाला 1 पैकेट, और हम डालते हैं 2 पैकेट, डालते हैं 3 पैकेट, इसे थोड़ा गला लेते हैं टमाटर को। तो ये गल चुके हैं हमारा, जो मैंने 1 टमाटर डाला था, अब इसमें डाल देंगे हम मैगी, तो डालते हैं मैगी। ये डल चुकी है हमारी मैगी, ये हो गई। अब इसे मिक्स कर देंगे,
सब्जी हमारी बिना वेजिटेबल की, बिना कुछ झंझट किए मैगी तैयार। देखिए ये देखिए, हो चुकी हमारी मैगी तैयार। तो अभी से करते हैं सर्व बाउल में, टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी हमारी मैगी। तो ये हो चुकी है हमारी झटपट मैगी तैयार, बिना वेजिटेबल के टेस्टी यम्मी यम्मी मैगी। देखिए देखिए कितनी यम्मी है।